अस्सलामुअलैकुम, तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ 12th क्लास के उर्दू के कहकशां की किताब से चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रॉमिस मतलब होता है वादा करना। ठीक है, वादा आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार प्रॉमिस तो ज़रूर किए होंगे, वादा किए होंगे। तो उसी तरह का कहानी जो है ना इस चैप्टर में बताई गई है। ठीक है, वादे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये चैप्टर जो है प्रॉमिस नाम का चैप्टर, ये एक कहानी यानी कि अफसाना है, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल कहानी है। आप लोग कोई कोई फिल्म नहीं देखते हैं जो कि लास्ट में जाकर उसका एंडिंग इमोशनल हो जाता है, मतलब उसका एंड ऐसे होता है कि इंसान भावुक हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह ये जो चैप्टर है इसमें जो भी कहानी बताई गई है वो भी इमोशनल कर देने वाली कहानी है, भावुक हो जाएंगे लास्ट में। तो हम लोग इस चैप्टर को और इस पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन इस चैप्टर के जो लेखक हैं यानी कि इस कहानी के जो लिखने वाले हैं उनके बारे में जानिए। प्रॉमिस नाम के इस अफसाने के मुसन्निफ़ यानी कि लेखक का नाम है जिलानी बानो, जो कि एक औरत है, खातून है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में जानिए। देखिए, इनकी पैदाइश हुई थी 14 जुलाई 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के यानी कि यूपी के बदायूं में। अब देखिए, उत्तर प्रदेश भले ही भूल जाइएगा, यूपी भूल जाइएगा, लेकिन बदायूं याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई, और ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना देकर बदायूं देता है, तो आप लोग को बदायूं टिक करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बदायूं कभी नहीं भूलना है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह हर साल एग्ज़ाम में पूछना ही पूछना है। तो ये मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट समझते हुए बता रही हूँ, और आप लोग भी इम्पोर्टेंट समझते हुए इसको याद कर लीजिएगा। जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई, तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में। ठीक है, आगे बढ़िए। इनकी तालीम यानी कि शिक्षा की बात कर ले तो ये एमए तक पढ़ाई की थी, उसके आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। आगे बढ़िए, इनके वालिद का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी, जो उर्दू फारसी के शायर के साथ साथ एक आलिम दीन भी थे। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि जिलानी बानो के वालिद यानी कि उनके पिताजी का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी, जो कि उर्दू व फारसी के शायर थे, यानी कि उर्दू के भी शायर थे और फारसी के भी शायर थे, लेकिन उसके साथ साथ वो एक आलिम दीन भी थे, यानी कि आलिम दीन का मतलब होता है धार्मिक विद्वान। तो अल्लामा हैरत बदायूनी उर्दू फारसी के शायर के अलावा वो एक धार्मिक विद्वान भी थे, ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए, जिलानी बानो इब्तदा में सबा बदायूनी के नाम से शायरी की। देखिए, यहाँ पर मैं जिलानी बानो के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि जिलानी बानो जो थी ना, वो ज़्यादातर अपना एग्ज़ाम यानी कि परीक्षा प्राइवेट से पास की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जिलानी बानो इब्तदा में यानी कि शुरुआत में शेर व शायरी किया करती थी, तो उस वक्त सबा बदायूनी का नाम यूज़ करती थी, यानी कि सबा बदायूनी के नाम से वो शेर व शायरी किया करती थी। ठीक, तो उसके बाद जो है ना जिलानी बानो शेर व शायरी करना छोड़ दी, और इनको ज़्यादा दिलचस्पी थी पेंटिंग करने में और संगीत करने में। ठीक है, संगीत और पेंटिंग में सबसे ज़्यादा इनको दिलचस्पी थी, उनको शौक़ भी था एक तरह से। तो जिलानी बानो संगीत और पेंटिंग करना शुरू कर दिया, उसमें काम करने लगी, लेकिन इनको ज़्यादा शोहरत नहीं मिल पाई, ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाई, तो इन्होंने पेंटिंग करना भी छोड़ दिया, संगीत मतलब गाना गाना भी छोड़ दिया। उसके बाद से ये अफसाना लिखना शुरू कर दी और नावल भी लिखना शुरू कर दी, और सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुई वो अफसाना निगारी यानी कि कहानी लिखने की वजह से, और नावल निगारी यानी कि नावल लिखने की वजह से ये फेमस हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिलानी बानो एक अफसाना निगार के साथ साथ नावल निगार भी हैं। ठीक है, और इनको सबसे ज़्यादा अगर शोहरत मिली है, सबसे ज़्यादा जिलानी बानो मशहूर हुई हैं, तो अफसाना निगारी और नावल निगारी की वजह से। ठीक है, आगे बढ़िए। कुछ अफसानवी मजमूए के नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है। अफसानवी मजमूआ मतलब समझते हैं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, कितना बार मैं आप लोगों को बताई हूँ। अफसानवी मजमूआ का मतलब होता है कहानी का किताब। ठीक है, तो देखिए, रोशनी के मीनार ये एक कहानी का किताब का नाम है, नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज़ का किस्सा, सच के सिवा, या कौन हंसा। ठीक है, कौन, देखिए, या कौन हंसा, सिर्फ को लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यह कौन, देखिए ये कौन जो है ना यहाँ पर रहेगा, यह कौन हंसा, बात फूलों की, वगैरह वगैरह, ये जितनी भी है ना ये जिलानी बानो की लिखी हुई कहानी की किताब है। ठीक है, और उसके बाद से इन्होंने नावल भी लिखा है जिलानी बानो, तो कुछ नावल का नाम भी है, जैसे कि ईवान गज़ल और बारिश संग, ये जो दोनों हैं वो जिलानी बानो की लिखी हुई नावल हैं। ठीक है, जिसको आप लोगों को एकदम नहीं भूलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है, या तो सब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बोलेगा कि जिलानी बानो की नावल है, और ऑप्शन में कोई कोई दे देगा, और एक ईवान गज़ल दे देगा, नहीं तो बारिश संग दे देगा, दोनों में से कोई एक दे देगा ऑप्शन में,
और पूछेगा कि जिलानी बानो की नाविल है और ऑप्शन में से आप लोग को बताना है, तो कोई दोनों में से एक दिखाई देगा तो आप लोग टिक कर दीजिएगा, एक नंबर आप लोग के हाथ में आ जाएगा। या तो आप लोग को सब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ सकता है कि रिटर्न वाला में पूछ सकता है कि जिलानी बानो के किसी दो नावल का नाम लिखिए, तो जो दोनों नावल का नाम आप लोग को याद रहेगा तभी तो आप लोग लिख कर आएंगे ना। तो जब आप लोगों को इन दोनों का नाम याद रहेगा तो आप लोग लिख कर आराम से आ जाएंगे और दो नंबर आप लोग के हाथ में आ जाएगा। तो ये दोनों आप लोगों को नहीं भूलना है। जिलानी बानो के दो नावल का नाम क्या है, एक है ईवाने गज़ल और दूसरा है बारिश संग, ये कभी मत भूलना है। चलिए आगे बढ़िए, इनका दो नावल का नाम भी आप लोगों के बुक में दिया गया है, जैसे कि नगमे का सफ़र और जुगनू और सितारे, ठीक है। और जिलानी बानो को ढेर सारे अवार्ड भी मिले हैं, देखिए मैं सारा का नाम लिख दी हूँ, मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंदी कौमी हाली अवार्ड, नकुश अवार्ड, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड वगैरह वगैरह, जिलानी बानो को ढेर सारे अवार्ड भी मिले थे। तो ये हो गया जिलानी बानो के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोग को याद रखना है। अब चलिए मैं आप लोगों को इस पूरे कहानी को समझाती हूँ, प्रॉमिस नाम के इस चैप्टर में, इस कहानी में आखिर क्या क्या मतलब बातें बताई गई हैं और कितना मतलब ये खूबसूरत कहानी है, कितना इमोशनल कर देने वाली कहानी है, हम लोग इस पूरे अफसाने को समझते हैं। तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए मैं आप लोगों को एकदम शुरू से कहानी बताती हूँ। देखिए इस प्रॉमिस नाम की कहानी में ना जो मेन कैरेक्टर है, जिस पर ये कहानी लिखी गई है, मरकजी किरदार, वो है अम्मो। अम्मो नाम की औरत रहती है और इनका शादी हो गया रहता है और इनके जो शौहर रहते हैं वो एक वकील रहते हैं और अम्मो के चार बेटे रहते हैं, एक है रशीद, एक है जमशेद, एक है खुर्शीद और एक है हमीद। हमीद जो है वो सबसे छोटा बेटा रहता है, ठीक है। तो ये अम्मो के चार बेटे रहते हैं। अम्मो के जो शौहर रहते हैं वो एक वकील रहते हैं, तो वो अपने चारों बेटों को पढ़ाने लिखाने में अपना पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, यहाँ तक कि अम्मो जो है और उनके जो शौहर है वो अपने सारा जायदाद बेच देते हैं अपने चारों बेटों को पढ़ाने के लिए, पूरी जायदाद बेच देते हैं, ठीक है, और अपने चारों बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं। और अम्मो के शौहर का इंतकाल भी हो जाता है, उनकी मौत भी हो जाती है और इनके जो चारों बेटे हैं वो पढ़ लिख कर मतलब बड़े हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं। रशीद जो है वो अमेरिका में इंजीनियर बन जाता है, रशीद जो सबसे बड़ा बेटा रहता है वो अमेरिका में इंजीनियर बन जाता है और ये अपने बीवी और बाल बच्चों को अमेरिका ही लेकर चला जाता है, क्योंकि रशीद की जो बीवी रहती है वाइफ, वो भारत की गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, इसीलिए रशीद जो है अपनी बीवी को और बाल बच्चों को अमेरिका में ही लेकर चला जाता है। जमशेद जो है वो न्यूयॉर्क में इंजीनियर बन जाता है, जमशेद न्यूयॉर्क में वो भी इंजीनियर ही बन जाता है, तो वो भी अपने बीवी बच्चों को न्यूयॉर्क में ही लेकर चला जाता है। खुर्शीद भी है वो शिकागो में डॉक्टर बन जाता है, तो खुर्शीद भी अपने बीवी बच्चों को कहाँ लेकर चला जाता है, शिकागो में ही लेकर चला जाता है, ठीक है। और हमीद की बात कर ले, जो सबसे छोटा बेटा रहता है, इसको पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही मन नहीं लगता था, ठीक है, और जब इसके अब्बू अम्मी यानी कि इसके जो माता पिता पढ़ाते थे बचपन में, स्कूल में भेजते थे, तो स्कूल में पढ़ने के बजाय ये स्कूल से बाहर निकल कर कहीं पॉलिटिक्स, जहाँ पर राजनीति में सबसे ज़्यादा रहता था, जहाँ पर लंबी लंबी भाषणें जाकर दिया करता था ये, जहाँ पर नेता लोग बैठते हैं ना, वहीं पर जाकर ये भी बैठता था और उसके बाद से लंबी लंबी भाषणें दिया करता था, सबसे ज़्यादा ये राजनीति में रहता था, ठीक है। और हुआ क्या, एक दिन हमीद जो है वो अपोजिट पार्टी के, ठीक है, अपोजिट पार्टी के एक आदमी का मर्डर कर दिया हमीद ने, और इसी वजह से हमीद जेल चला गया। और जब हमीद जेल गया ना, तो उसकी भाग ही खुल गई, इसका किस्मत ही खुल गया, क्योंकि अलग अलग पार्टी के लोग आने लगे और बोलने लगे कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, मैं तुमको जेल में से निकाल दूंगा। तो हमीद जो है उसी एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वो जो पार्टी वाला है वो हमीद को जेल से बाहर निकाल दिया और हमीद जो है वो भारत के दिल्ली में मिनिस्टर बन गया। दिल्ली में क्या बन गया, मिनिस्टर बन गया। तो हमीद जो है वो भारत में मिनिस्टर बन गया, भारत के दिल्ली में। अब वो दिल्ली जाकर रहने लगा, वो अपनी वाइफ और जितने भी बीवी बच्चों को दिल्ली में ही लेकर चला गया। अब जो है अम्मो अकेली बच गई, क्योंकि इनके शौहर भी इंतकाल कर गए थे, इनके मतलब जो है हस्बैंड वो भी मर गए थे। तो चारों बेटे ने मिलकर अम्मो से प्रॉमिस किया था, याद रखिएगा, प्रॉमिस चैप्टर का नाम है, ठीक है। चारों बेटों ने अम्मो से प्रॉमिस किया था कि अम्मो जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा ना, यानी कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो हम चारों भाई मिलकर तुम्हें कंधा देंगे,
यानी कि तुम्हारी मौत हो जाएगी तो तुम तुम्हें दफनाने का काम हम चारों भाई मिलकर करेंगे, और चारों भाई चार कंधे होते हैं तो हम लोग चारों भाई मिलकर चार कंधे देंगे, ठीक है। तो अम्मो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अब ये चारों बेटे हैं वो अपने अपने जगह चले गए। रशीद अपने बाल बीवी बच्चों को लेकर अमेरिका चला गया, जमशीद न्यूयॉर्क चला गया अपने बीवी बच्चों को लेकर, खुर्शीद शिकागो में चला गया, और हमीद तो भाई दिल्ली में रहता था अपने बाल बीवी बच्चों को लेकर। अम्मो अपने घर में एकदम अकेली पड़ गई। अब बताइए, एक घर है उसमें अकेला सुनसान चुपचाप रहो भूत की तरह तो कैसा लगेगा। तो अम्मो को जो है ना उसका जो छोटा बेटा है हमीद वो दिल्ली बुला लिया, बोला कि आ जाओ अम्मी आप मेरे पास ही आ जाओ। तो अम्मो जो है वो अपने छोटे बेटे हमीद के पास दिल्ली चली गई। वहाँ पर जाकर कुछ दिन रही, लेकिन वहाँ अम्मो को अच्छा नहीं लगता था। वहाँ पर ज़्यादातर वो पापड़े बनाया करती थी और उसके बाद से अचार वगैरह बनाया करती थी। तो हमीद जो है ना वो क्या कर दिया, आखिर उकता कर अपनी माँ को ही फिर से वापस घर भेज दिया। तो अम्मो जो है फिर से वापस अपने घर आ गई और फिर अपने घर में अकेले रहने लगी, ठीक है, भूत की तरह। तो इनके जो चार बेटे थे उन्होंने डिसाइड किया कि एक नौकरानी रख देते हैं, ठीक है। तो अम्मो के घर में चारों बेटों ने मिलकर एक नौकरानी रख दी जिसका नाम था ख्वाजा बी, ठीक है। तो ख्वाजा बी वो खाना पकाती थी, जितना भी घर का काम करना होता था, झाड़ू मारना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सब करके अम्मो को देती थी, और ठीक है। और अम्मो बेचारी वो अपने घर में अकेले रहती थी। कितना भी सुख सुविधाएं मिल जाए ना, अगर आप घर में सिर्फ अकेले रहेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप किससे ना बात करेंगे ना हंसेंगे, तो ये मतलब एक तरह से आप समझिए कि जेल में है, ठीक है, भूत की तरह, जिस तरह भूत रहते हैं उस तरह। तो अम्मो बिल्कुल उसी तरह अपने घर में अकेले पड़ गई थी, ठीक है। और अम्मो का कैंसर का बीमारी था, ठीक है। और इसी तरह देखते देखते 2 साल हो गया। 2 सालों में अम्मो का जो कैंसर था वो पूरे बदन में फैल गया था, पूरे शरीर में फैल गया था, ठीक है। डॉक्टर जवाब दे दिया था कि 24 घंटा में जो है ना अम्मो का इंतकाल हो जाएगा, अम्मो नहीं बचेंगी, ठीक है। तो नौकरानी जो थी अम्मो की, ख्वाजा भी, वो चारों बेटे के पास लगातार फ़ोन की और बोली कि देखो तुम्हारी माँ जो है वो 24 घंटे में इंतकाल कर जाएंगी कभी भी, ठीक है। अब देखिए, रशीद, जमशीद और खुर्शीद ये तीनों जो है वो टिकट ले लिए भारत का, क्योंकि अदर कंट्री में थे ना ये अमेरिका में था, जमशेद न्यूयॉर्क में था, खुर्शीद शिकागो में था। तो ये लोग टिकट ले लिए भारत आने का। उसके बाद से हमीद तो खुद भारत में था, इसको आने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये तो कभी भी आ सकता था, ठीक है। तो तीनों बेटे जो है वो आने के लिए एकदम तैयार हो गए। रशीद अपने वाइफ को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर तैयार हो गए आने के लिए, आने लगे लो, ठीक है, और घर पर आ गए लो। देखिए, जितने भी तीनों बेटे थे ना, रशीद, जमशीद, खुर्शीद, ये अम्मो के पास आ गए, और ये इसलिए आए थे कि अम्मो 24 घंटा में इंतकाल कर जाएंगी। इसलिए ये नहीं आए थे कि चलो अम्मो की मतलब बीमारी है, अम्मो का तबीयत ख़राब है तो हम उनको देखते हैं और उनका इलाज करवाते हैं, किसी तरह उनको बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये तीनों जो बेटे हैं वो इसलिए आए थे कि अम्मो 24 घंटा में इंतकाल कर जाएंगी और हम लोगों को किसी तरह उनको कंधा देकर दफना उफना कर फिर से हम लोगों को अपने काम पर चले जाना है, ये इसलिए आए थे, ठीक है। तीनों बेटे तो आ गए थे, हमीद नहीं आया था, क्योंकि हमीद बोल रहा था कि मैं तो कभी भी आ जाऊँगा, जब भी अम्मी का इंतकाल होगा आप लोग मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं कभी भी आ जाऊँगा। देखिए ये कितना खतरनाक सोच रहा है, ये बोल रहा है कि अम्मी का जब भी मौत हो जाएगी ना तब आप हमको कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा और कंधा देकर फिर वापस चला जाऊँगा। सोचिए, चारों बेटे हैं लेकिन फिर भी अपनी माँ से मोहब्बत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी माँ को मोहब्बत नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। बेटे तो आए हैं अम्मो से मुलाकात करने के लिए, अम्मो का तबीयत ख़राब है तो, लेकिन इसलिए नहीं आए हैं कि चलो अम्मो को देख लेते हैं, अम्मो को दिलासा देते हैं, अम्मो का इलाज करवाते हैं ताकि वो बच जाए। नहीं, ये इसलिए आए हैं कि अम्मो 24 घंटा में इंतकाल कर जाने वाली हैं और हम लोगों को उनको किसी तरह कंधा दे देना है, उनको किसी तरह दफना देना है और फिर वापस अपने काम पर चले जाना है, ये इसलिए आए हैं, ठीक है। तो तीनों बेटे आए रहते हैं, जो उनकी बड़ी बहू रहती है वो बोलती है अम्मो यासीन शरीफ पढ़िए, यासीन पढ़ने के लिए बोलती है, सूरह यासीन, ठीक है, और खुदा को याद कीजिए, ठीक है। तीनों बेटे सामने खड़े थे, अम्मो अपना आँख खोली तो देखी कि रशीद, जमशेद, खुर्शीद मेरे सामने हैं। अपने बेटे बहू को देखी, पोते पोतियों को देखी तो बहुत खुश हुई, और शायद यही खुशी थी कि अम्मो जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, अम्मो मरने के बजाय वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और 24 घंटा में जो है ना अम्मो का इंतकाल नहीं हुआ। तो अब वो जो उनके तीनों बेटे थे, रशीद, जमशेद, खुर्शीद, वो देखे, अरे ये तो अम्मो मर ही नहीं रही है, इसको 24 घंटे में मर जाना चाहिए, मर क्यों नहीं रही है, ठीक है।
हम लोग जल्दी जल्दी इसको दफना कर चले जाते। देखिए बेटे होकर कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, अब क्या किए, देखे कि अम्मो मर नहीं रही है तो रशीद, जमशेद और खुर्शीद तीनों राय किए और ख्वाजा भी को बुलाए नौकरानी को और उसको कुछ पैसे दिए और बोले कि अम्मो का ध्यान रखना, जो भी इन तबीयत ख़राब होती है इनके हालत हमें बताते रहना, जो भी इनको होता है पैसे की ज़रूरत हो तो फिर हमसे मांग लेना और उसके बाद से इनके इनकी तबीयत हमें बताते रहना। और फिर जो है रशीद अमेरिका चला गया, जमशेद न्यूयॉर्क चला गया और खुर्शीद शिकागो में चला गया अपने बाल बीवी बच्चों को लेकर। और शायद यही बात जो है अम्मो सुन लेती है, अपने तीनों बेटे रशीद, जमशेद और खुर्शीद, ये जब ये ख्वाजा बी को पैसे दे रहे थे डॉलर वगैरह निकाल कर और बोल रहे थे कि ये लो पैसे, अम्मो का इलाज कराते रहना और तबीयत है हमें फ़ोन पर बताते रहना और हम लोग जा रहे हैं अपने अपने देश वापस। ठीक है, यही बात जो है अम्मो सुन लेती है और पैसा देते हुए देख लेती है और अम्मो जो है ये सोचने लगती है कि देखो ये मेरे अपने बेटे हैं लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटों को मोहब्बत नहीं मिल पाई, ये मेरे अपने बेटे हैं लेकिन अपने बेटे होकर भी गैरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, गैर दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहे हैं, कौन भला ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ को मरने की हालत में छोड़कर वापस चला जाए अपने देश। ठीक है, और यही बात अम्मो सोच ही रही थी कि वहीं पर गिर पड़ी। जब ख्वाजा भी आकर देखी तो क्या देखती है पता है, कि कमरे में जो है ना अम्मो गिर पड़ी है, यानी कि उनकी मौत हो गई है, उनका इंतकाल हो गया है। अम्मो का क्यों इंतकाल हुआ, उनकी क्यों मौत हो गई, क्योंकि उनके चारों बेटे तो मिले लेकिन चारों बेटे की मोहब्बत नहीं मिल पाई, वो ख्याल वो अपनापन नहीं महसूस हुआ अम्मो को और एक तरह से वो जो प्रॉमिस है जो चारों बेटे किए थे अम्मो को वो टूट गया, वो वादा टूट गया। ठीक है, अब जो लास्ट में है ख्वाजा भी क्या की, एक दुकान का फ़ोन नंबर मिलाया और बोली कि मैयत में हमारे घर में यहाँ पर पड़ी हुई है, आप एक लॉरी भेज दीजिए और उसके साथ साथ चार आदमी भेज दीजिएगा दफनाने के लिए, इनके जो बेटे हैं वो सारा दफनाने का सामान हर चीज़ मतलब अवेलेबल कर कर गए हैं। ठीक है, और आप भेज दीजिए। तो इस तरह जो है अम्मो का लास्ट में इंतकाल हो गया और इंतकाल जब हुई, इनकी मौत हुई, तो मौत होने के बावजूद भी अम्मो को उनके चारों बेटे का कंधा नहीं मिल पाया, जो प्रॉमिस किए थे इनके चारों बेटे वो प्रॉमिस नहीं निभा पाए, वो वादा नहीं पूरा कर पाए। ठीक है, और इस तरह जो है अम्मो को कोई और दफनाया। ठीक है, और यहीं पर जो है आप लोगों का पूरा ये कहानी कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद से शेयर करना तो भूलिएगा ही मत। सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोगों को एक बेल आइकन यानी कि घंटी दिखाई देगी, उसको दबा लेंगे। जब उसको दबाएंगे ना घंटी को, तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पर क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।